उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकल गई है और ये जो विज्ञप्ति है वो जिलेवार है। और आपको बता दें कि जो विज्ञप्ति है ये ऑनलाइन नहीं जबकि ऑफलाइन है। जैसे यहाँ पर 2018-19 में फॉर्म भरे गए थे उसी प्रकार से इस बार भी भरे जाएंगे। और आपको बता दें कि हम इसकी पूरी जानकारी देंगे ताकि आपका कोई भी फॉर्म जो है वो गलत ना हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने, कैसे भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। किस प्रकार से विज्ञप्ति संख्या डालनी पड़ती है, तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए हमारा नया चैनल भी है टॉपर जोन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम वहीं पर ये सभी वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके साथ ही जो इसका फॉर्मेट है, क्योंकि वो यहाँ पर फॉर्मेट भी आ गया है फॉर्म का, तो इसका फॉर्मेट हमने कंप्यूटर पे बना लिया है। वो फॉर्मेट भी हम वहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में डाल देंगे, जिससे आप पीडीएफ वहाँ से निकाल करके और तुरंत अपना जो फॉर्म है वो भर करके भेज सकते हैं। तो सभी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी, तो इसलिए आप वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, यहाँ पर अभी तक जो थी बागेश्वर की वैकेंसी निकली हुई थी और अब जो है टिहरी की निकाल दी गई है। और टिहरी में भी 283 के आसपास यहाँ पे पद हैं, जिसमें सामान्य के 145 हैं, अनुसूचित जाति के 52 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 38 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के 27 हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के 11 पद हैं। तो देखिए, इसमें शैक्षिक अर्थ रखी गई है कि भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर सीधी पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50% विज्ञान एवं 50% विज्ञानतर के होंगे। विज्ञान विषय के अंतर्गत 40% पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के, जबकि 40% स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जंतु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं 20% पद जो हैं ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों में विज्ञान स्नातक हैं अथवा जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान विषय के अंतर्गत उत्तीर्ण की है हेतु आरक्षित होंगे। मुख्य विषय में के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं 15% पर हिंदी भाषा, 15% पर अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी पद व मानकी संवर्ग के अन्य विषयों के स्नातक योग्यताधारी अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञानतर वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण किया है हेतु आरक्षित होंगे, परंतु यह और कि विज्ञान विषय अंतर्गत स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन में आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय संयोजन के अभ्यर्थियों से भरे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें बताया गया कि किस प्रकार से जो सीटें हैं वो डिवाइड रहेंगी। 50% जो है साइंस वालों के लिए रहेंगी, 50% आर्ट वालों के लिए रहेंगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो वो पोस्ट जो है उनको दे दी जाएंगी, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि जो यहाँ पर बताया गया कि समूह के पदों पर आवेदन हेतु तो वही पात्र होंगे। सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों के भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 व उपनियम 2 में वर्णित अपेक्षाएं पूर्ण करता हो, तो जो यहां पे नियमावली बनाई गई है उसी के अनुसार ही यहां पर पदों को भरा जाएगा और वही जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहां बताया गया कि राज्य के किसी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला संस्थान केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड जिसे उत्तराखंड राज्य के द्विवर्षीय बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक स्नातक तथा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी बीएड या फिर बीएलएड जो है 50% अंकों के साथ होना चाहिए, या फिर शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएड हेतु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो यह भी यहाँ पर बताया गया है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं अगर उनका सिलेक्शन यहाँ पर होता है तो उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना पड़ेगा, जिससे उनको प्राथमिक स्तर की जानकारी यहां पर हो जाए। परंतु यह कि शिक्षा शास्त्र जो विशेष शिक्षाएं में द्विवर्षीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा 1 से 5 तक आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटीटी फर्स्ट या फिर सीटेट फर्स्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसके साथ देखिए यहां पर यह भी बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने यूटेट फर्स्ट या फिर सीटेट फर्स्ट जो है वो यहां पर पास किया है, तो वही यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेन बात करते हैं, तो एज जो है इसमें रखी गई है
1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की एज जो है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनको छूट भी दी जाएगी, जिस प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की छूट रहती है और अन्य अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल की छूट रहती है, तो वो छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ देखिए यहाँ पर फॉर्म जो है यहाँ के लिए, इसको आपको कैसे भरना है, तो इसकी जानकारी हम वैसे देंगे आपको यहाँ पर कि फॉर्म भरने का प्रोसेस पूरा बताएंगे, ताकि आपको फॉर्म गलत ना हो, क्योंकि आपको पहले बता देते हैं 2018-19 में हमारे प्रीवियस ईयर की वीडियो दे सकते हैं, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होकर के उनके घर दोबारा वापस आ गए थे, तो वो क्या कारण थे जो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो कोई भी आपकी गलती ना हो तो ये भी हम बताएंगे। तो इसमें बताया गया कि आपको जो है आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा 15 दिसंबर 2020 की शाम 5 बजे तक कार्यालय स्वीकार किए जाएंगे, तो 5 बजे तक वहाँ पहुँचना चाहिए 15 दिसंबर के, उसके बाद अगर जाते हैं तो वो नहीं मान्य होंगे। और इसके साथ देखिए यहाँ पे कहा गया कि साधारण डाक कोरियर इनसे ना भेजें, लिफाफे में भेजना है, लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु आवेदन पत्र और विज्ञप्ति संख्या जरूर डालना है और आरक्षित वर्ग ये भी जरूर डालना है, तो ये आप दे सकते हैं यहाँ पर, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। आप देखिए यहाँ पर इसका जो आवेदन का प्रारूप है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें आवेदक का नाम आएगा, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम पूरे का पूरा दिया गया है, यहाँ मोबाइल नंबर और दिनांक देखिए 1/7/2020 के अनुसार आपकी एज कितनी हो रही है ये, और इस प्रकार से इसका फॉर्मेट है। हाई स्कूल में आपके किस वर्ष में किया, कौन सी श्रेणी थी, विषय कितने थे, प्राप्तांक कितने थे, पूर्णांक कितना था, ये सब का सब। और यहाँ पर बीएड का गुणांक देखिए, बीएड वालों के लिए इस प्रकार से गुणांक निकाला गया है, जिसमें हाई स्कूल के नंबर के भी यहाँ पे आपके मार्क्स जुड़ेंगे, इंटर के भी गुणांक बनेगा, स्नातक का भी बनेगा, इसे मल्टीप्लाई करना है और तब यहाँ पे फॉर्म भरना है। इसके बाद द्विवर्षीय डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पे भरना पड़ेगा, डीएलएड बीएड वाले हैं तो अंकों का प्रतिशत इस प्रकार से यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और इसके बाद सीटेट यूटेट का है वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 1/10 से। तो इस प्रकार से अगर देखें आप तो सबसे ज़्यादा जो अंक हैं वो आपके स्नातक के यहाँ पर इंटर के यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि स्नातक के सबसे ज़्यादा हो रहे हैं 2.25 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी जिसके स्नातक में ज़्यादा नंबर हैं उसी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, उसका जो है यूटेट से भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यूटेट में केवल 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि अगर इसका देखते हैं अगर आप स्नातक में अगर जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिसके स्नातक में ज़्यादा मार्क्स हैं उनके चांस यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ये फॉर्म है, इसके हम फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो देख सकते हैं इस प्रकार से। और इसके साथ ही हमारा जो नया चैनल है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो फॉर्म है आवेदन का प्रारूप है इसका फॉर्मेट हम यहाँ पर इवनिंग तक आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप जल्द से जल्द फॉर्म भर सकें और कोई भी जल्दीबाजी ना करें फॉर्म भरने में, क्योंकि फॉर्म जो है वो अच्छे से भरें और पूरे कोई गलती ना करें, क्योंकि फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी होते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर की कुछ वीडियो पड़ी होंगी आप वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका फॉर्म जो है वो दोबारा से रिजेक्ट होकर उनके घर पहुँच गया था उसी पोस्ट पर, तो उन्होंने क्या गलती की थी ये भी हम आपको बताएंगे, तो पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे नए चैनल पर, तो आप वहाँ पर जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप टॉपर जोन में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि यहीं पर आपको सभी वीडियो मिलती रहेंगी।